सो डियर चिल्ड्रेन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर चैप्टर वन अंड इन नीड इज अंड इन डीड जो फ्रेंड जरूरत के समय काम आए नीड में हमारे काम आए असली फ्रेंड वो ही होता है ट्रू फ्रेंड वो ही होता है A friend in need is a friend indeed it's a story ये एक story है तो इसमें आपको पता चलेगा कि एक true friend और a good friend कौन होता है कि जो मुसीबत में या हमारी जरूरत में हमारे काम आता है वो ही एक ट्रू फ्रेंड होता है सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग yourself अप अ okay. इंट्रोडक्शन अब हम इस इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे इसमें आपको पता चलेगा कि एक ट्रू फ्रेंड कौन सा होता है और एक गुड फ्रेंड कौन होता है वी बिलीव दैट ऑल आर फ्रेंड्स आर अवर गुड फ्रेंड्स वी बिलीव हम ये विश्वास करते हैं हमें ये लगता है कि हमारे सभी फ्रेंड्स ऑल आर फ्रेंड्स हमारे सारे फ्रेंड्स आर आवर गुड फ्रेंड्स सारे ही फ्रेंड्स हमारे क्या है गुड फ्रेंड्स होते हैं ये हमें लगता है कि हमारे सभी फ्रेंड्स हमारे गुड फ्रेंड्स होते बट दिस बिलीव कुड बी रोंग बट जो ये हमारा विश्वास है ये रोंग भी हो सकता है गलत भी हो सकता है रोंग मीन्स गलत

leaves us alone at the time of our problems and difficulties. एक true friend कौन होता है जो हमें कभी भी our problems, हमारी problems के time और हमारी difficulties के time, हमारे मुश्किल समय में और प्रॉब्लम्स के टाइम हमेशा हमारे साथ रहता है हु नेवर लीव्स आ सेलोन हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अस इन आर डिफिकल्ट टाइम्स एंड स्ट्रेंथन अस विद देअर एडवाइस एंड सजेशंस जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा डिफिकल्टीज डिफ़िकल्ट टाइम्स हमारे डिफ़िकल्ट टाइम्स में मुश्किल समय में हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं एंड स्ट्रेंडर्न अस विद देअर एडवाइस एंड सजेशंस और वो हमें अपनी एडवाइस और अपने सजेशन के साथ हमारी ताकत बनते हैं हमें ताकत देते हैं इन दिस स्टोरी यू विल रीड अबाउट एंड 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 अ पिजन हु एंट और पिजन के बारे में रीड करेंगे जो मुश्किल समय में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और गुड फ्रेंड्स बन जाते हैं सो लेट्स स्टार्ट सो so, let's स्टार्ट रीडिंग ऑफ द स्टोरी वन डे an एंट फॉल्स into द रिवर एक दिन एक एंट रिवर में गिर जाती है फॉल्स means गिर जाना देखो यहाँ पे ये पिक्चर है इसमें दिखाया भी गया है कि जो एक एंट है वो रिवर में गिर जाती है द रिवर इज डीप जो ये रिवर है वो डीप है गहरी है द एंट बिगेन्स टू बी ड्राउंड जो एंट है वो पानी में गो डाउन ठीक है नीचे जाना स्टार्ट कर देती है डूबना शुरू हो जाती है पानी में इट्स स्क्रीम्स हेल्प हेल्प स्क्रीम्स मीन्स टू स्पीक लाउडली वो जोर जोर से क्या बोलती है हेल्प हेल्प बचाओ बचाओ अ पिजन इज फ्लाइंग नियर द रिवर बैंक एक पिजन है जो उस रिवर बैंक मींस उस रिवर के किनारे पे उड़ रहा है. रिवर के किनारे के पास एक पिजन जो है वो उड़ रहा है इट हियर्स द एंट स्क्रीमिंग फॉर हेल्प वो एंट की आवाज सुनता है कि एक एंट हेल्प के लिए बुला रही है जोर जोर से बोल रही है दिजन फील्स सॉरी फॉर द एंट वो पिजन एंट के लिए बहुत सॉरी फील करता है उसको बहुत बुरा लगता है एंट को देखकर कि वो एंट जो है पानी में डूब रही है रिवर में डूब रही है तो उसको वो देखकर बहुत ही बुरा लगता है इट फाइंड्स अ लीफ एंड ड्रॉप्स इट इन दॉटर उसको एक लीफ मीन्स पत्ता ठीक है उसको एक पेड़ का पत्ता मिलता है और वो उस लीफ को क्या करता है पानी में गिरा देता है ड्रॉप्स मीन्स पानी में डाल देना द एंट क्लाइम्स ऑन द लीफ जो एंट है वो लीफ के ऊपर आ जाती है क्लाइम्स मीन टू गो अप जो एंट है वो उस पत्ते के ऊपर उस लीफ के ऊपर आ जाती है उस पर बैठ जाती है इट यूजेज द लीफ एज बोट वो लीफ को उस पत्ते को एक बोट की तरह यूज करती है जैसे बोट में बैठकर हम बाहर आ जाते हैं रिवर से ऐसे ही उस एंट ने किया वो पत्ते के ऊपर बैठ गई और उस पत्ते ने उसके लिए एक बोट का काम किया द एंट इज सेफ एंट बच गई वो सेफ हो गई बट हैप्पी वो भीग गई वेट मीन्स भीग जाना बट हैप्पी बट अब वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी लाइफ सेफ हो गई थी क्या वो भीग जरूर गई थी पानी में बट वो अब हैप्पी थी द पिजन कम्स नियर द एंट एंड आस्क पिजन एंट के पास आता है और उससे पूछता है आर यू ऑल राइट क्या तुम ठीक हो द एंट से आई एम फाइन एंट क्या कहती है आई एम फाइन मैं ठीक हूँ थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू धन्यवाद ठीक है लाइफ बचाने के लिए वो पिजन का क्या करती है थैंक यू करती है आई विल ऑलवेज बी देअर टू हेल्प यू जब कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए रेडी रहूँ